अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सानिया व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और उम्मीद है कि आप लोग दुआओं में याद रखते होंगे। तो सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो है उमर हयात पैलेस, जिसको बोलते हैं उमर महल, और ये है चिन्योट में वाकया। बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत जगह है, मैंने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है। और लास्ट टाइम मैंने जो अपनी वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें भी इसका जिक्र किया था कि इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी तो मैं यहाँ बनाऊँगी। तो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ और मुझे यहाँ की ख़ूबसूरती और तारीख़ देख के बिल्कुल भी मायूसी नहीं हुई, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और मुझे एक ऐसी चीज़ देखने को मिली है जो कि बिल्कुल भी हम आम लोगों को नहीं पता। हिस्टोरिकल प्लेस ऐसी जगह है जहाँ पे हम आना चाहेंगे दोबारा बार बार, और ख़ास तौर पे चिन्योट में ऐसी बहुत ज़्यादा जगह हैं जो हिस्ट्री से बिलोंग करती हैं। तो मैं आप लोगों को जस्ट ये दिखाना चाह रही हूँ इस वीडियो में कि आप लोग एक दफ़ा यहाँ पे ज़रूर आएँ, विज़िट करें यहाँ के महल का, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हमारी जो रियल तारीख है वो क्या है। और इसका मकसद यही है कि हम लोग दूसरे लोगों तक अपनी तारीख पहुंचा सकें और उनको ये बता सकें कि ये है हमारा पाकिस्तान, इतनी खूबसूरती है पाकिस्तान में। तो काइंडली आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस महल में और क्या कदीम चीज़ें और प्यारी चीज़ें हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, हम सबसे पहले हैं ये सबसे जो नीचे वाली मंजिल है, हम यहाँ पे हैं अभी। तो ये स्टार्टिंग में इन्होंने बताया है कि ये जो नीचे वाली मंजिल है, यहाँ पे इन्होंने लाइब्रेरी बनाई हुई है, जो कि पहले यहाँ पे जब वो रिहाइश पज़ीर थे उस टाइम नहीं थी, उनकी वफ़ात के बाद, उनके जाने के बाद। तो ये जो विरसा है उन्होंने सब इसको हिस्टोरिकल प्लेस में तब्दील कर दिया है, और जो यहाँ के कमरे हैं उनकी रहाइश के लिए थे उसको लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे देखिए कितनी कदीम चीज़ें हैं, तकरीबन 100 साल पुराना विरसा है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सानिया व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, और उम्मीद है कि आप लोग दुआओं में याद रखते होंगे। तो सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो है उमर हयात पैलेस, जिसको बोलते हैं उमर महल, और ये है चिन्योट में वाकया। बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत जगह है, मैंने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है। और लास्ट टाइम मैंने जो अपनी वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें भी इसका जिक्र किया था कि इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी तो मैं यहाँ बनाऊँगी। तो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ और मुझे यहाँ की ख़ूबसूरती और तारीख़ देख के बिल्कुल भी मायूसी नहीं हुई, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और मुझे एक ऐसी चीज़ देखने को मिली है जो कि बिल्कुल भी हम आम लोगों को नहीं पता। हिस्टोरिकल प्लेस ऐसी जगह है जहाँ पे हम आना चाहेंगे दोबारा बार बार, और ख़ास तौर पर चिन्योट में ऐसी बहुत ज़्यादा जगह हैं जो हिस्ट्री से बिलोंग करती हैं। तो मैं आप लोगों को जस्ट ये दिखाना चाह रही हूँ इस वीडियो में कि आप लोग एक दफ़ा यहाँ पे ज़रूर आएँ, विज़िट करें यहाँ के महल का, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हमारी जो रियल तारीख है वो क्या है। और इसका मकसद यही है कि हम लोग दूसरे लोगों तक अपनी तारीख पहुँचा सकें और उनको ये बता सकें कि ये है हमारा पाकिस्तान, इतनी खूबसूरती है पाकिस्तान में। तो काइंडली आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस महल में और क्या कदीम चीज़ें और प्यारी चीज़ें हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जबकि इमारत का पूरा 100 साल हो रहा है तकरीबन, ये इमारत है ये टोटली खुद 100 साल पुरानी। हाँ, 100 साल पूरे होने को है। हाँ जी, और जो इसकी लाइब्रेरी है वो जो इसके वहाँ पे मेंबर अभी 30 साल से जी जी हाँ। वो जब वफात पा गए हैं यहाँ से चले गए, नहीं ये शुरू से एक रेजिडेंस थी, रिहाइश थी, ये तो 91 से लाइब्रेरी में अच्छा बदल गया। सही हो गया, मतलब कि उनके जाने के बाद हाँ। में ये सब कुछ पहले का है, काम रोन करके उसी तरह की चमक दमक दे दी। ये आप देख सकते हैं इतनी प्यारी और खूबसूरत जगह है कि
अरसा हो चुकी थी यहाँ के जो जिन्होंने इसका मतलब लिया था जुमा, कि उन्होंने फिर इसको कलर करवाया दोबारा से, इसको सारी सेटिंग ठीक की है, तो उसके बाद ये इन्होंने हिस्टोरिकल प्लेस बना दिया है ताकि टूरिस्ट आए और यहाँ की जगह को देखें और हमारे पाकिस्तान को ताकि अच्छे से दूसरे लोगों को भी मौका मिले कि वो यहाँ आए और हमारे पाकिस्तान की खूबसूरती को देखें। और ये हैं फातिमा जोजे उम्र हयात, उनकी कब्रें मतलब जो थे जिनका ये महल है ये उनकी कब्र है, और ये साथ ही जो हैं जिनका ये महल था गुलजार वल्द उम्र हयात मीन्स के उनके बेटे की कब्र है रहे, और उनकी वफात के बाद उनको इसी विरसा में तब्दील कर दिया गया ताकि जो उनका कदीम घर है तो इससे इनको अलग ना किया जाए, इनका अलग कब्रिस्तान ना बनाया जाए, इसलिए इनको यहीं पे दफन किया गया है। ये है जी उमर हयात महल है, जो उमर पैलेस है उसकी कंप्लीट तस्वीर है, क्योंकि इसकी 5 मंजिला थी ठीक है, और ये 5 मंजिल इस वजह से बनाई गई थी, ये ताज था ऊपर का, इतना खूबसूरत ये था, तो इतना खस्ता होने के बावजूद इसकी ये जो ऊपर की 2 मंजिलें थी वो गिर गई हैं और अभी ये 3 मंजिल रह गए हैं। देखिएगा कि ये स्टेयर केस कैसा बना है, सीढ़ियों को चढ़ने का मंजर बहुत खूबसूरत है, आप इधर आके देखिए यहाँ पे ये स्टेयर केस देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना है और कितना प्यारा मंजर पेश कर रहा है। दाद देनी चाहिए उस वक़्त के काम करने वालों की और उस वक़्त के लोगों की जिनका टेस्ट इतना प्यारा था। ये सारा जीना लकड़ी का बना है, ये रास्ता बाथरूम को जा रहा है, तो ये तारीख देखिए राय मोटे में अच्छी चीज़ें पहले पहले यहाँ खड़े ये झरोखे को प्यारा खूबसूरत है, झरोके की सारी जो है खूबसूरती है, ये प्योर शीशे में अगर नीचे से ऊपर तक देखें तो इसकी सारी खूबसूरती मोर जैसे मोर आपके सामने पंख जी जी ऐसे ही। इसे चिनियोट के कारीगर इलाही बख्श पिज्जा ने बनाया, इलाही बख्श पिज्जा ऐसे चोटी के कारीगर हुए कि उनकी कब्र पे चले जाएं तो लिखा है बाबा एक कौम, सारी तरखान बरादरी अपनी कौम का बाप कह रही है, वो मर गया उसका फन जिंदा है। हम मार्केट में जाएंगे हवेली बैट झरोका बैट इससे काफी किया जा रहा है, यानी उस्तादों का किया काम है, आज भी कदरों कीमत पा रहा है, वो लाखों रुपए में बिक रहे हैं। और इसका ऐसे लग रहा है सच में ऐसे लग रहा है कि जैसे मोर सर पे पंख फैलाए खड़ा है। जी बिल्कुल हां जी बहुत खूबसूरत लग रहा है। नीचे के खिड़की दरवाजे में अलग डिजाइन है, ऊपर का अलग। अब इन कमरों में आप आ जाए, अगर देखा जाए तो ऐसे लग रहा है ये सच में जिंदा है, इधर अभी भी बिल्कुल नहीं लग रहा कि रहता नहीं है। इतनी प्यारी जगह और इतना खूबसूरत ये प्लेस है कि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की यहाँ पे आने के लिए और फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ की खूबसूरती देख के मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ कि मैं इतनी दूर से जस्ट ये महल देखने के लिए आई हूँ, तो ऐसे अभी भी लग रहा है कि यहाँ पे हर एक चीज़ ज़िंदा है, तो यहाँ पे मकीन बिल्कुल अगर ना हो तो उसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उदासी बहुत ज़्यादा है और ऐसे लग रहा है कि ये जगह अभी भी अपने मकीनों को याद कर रही है। और इसकी ख़ास बात ये है कि इतना टाइम तकरीबन 100 साल का अरसा गुजरने के बावजूद ये जगह ऐसी है कि जैसे अभी इसको तमीर किया गया है। बादशाह का तख्त हो और तख्त पे अभी भी कोई ना कोई बैठा हो और ऐसे बिल्कुल ताज बना हुआ है ऊपर, इतनी खूबसूरत और प्यारी जगह लग रही है, तो मेरा तो यहाँ से बिल्कुल दिल नहीं भर रहा।
इतनी प्यारी जगह है। तो मैं आप लोगों को फिर भी एक दफ़ा बोलूँगी कि प्लीज़ यहाँ पे आएँ और यहाँ का विज़िट करें, ताकि हमारे लोगों को पता चले कि हमारे पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा खूबसूरती है। आप शहर से न्यूयॉर्क की एक पहाड़ी अलग शान देखिए जी। अभी तो हम लूटा या उजड़ा महल देख रहे हैं, जब सब कुछ नहीं होगा अलग शान। बेशक अभी इसमें कुछ भी नहीं है, अभी सब कुछ खत्म। मैं एक जुमला बोलता हूँ, लोग इसकी वीरानी को देख के कह देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं इसमें जिन रहते हैं, मैं कहता हूँ जो सारी खूबसूरतियाँ होंगी फिर तो परियां आती होंगी। बेशक जितना ये खूबसूरत सच में है, इसमें तो परियां भी कम है अगर परियां आगे यहाँ का विजिट करें तो। ये है जी जो मतलब यहाँ के बादशाह थे उसके बेटे का इकलौता जो बेटा था उनका उनका ये बेडरूम था, उनकी ये रिहाइश का कमरा था। ये ऊपर पार्ट है, ये कार्नर, ये पेने बनाई है, इसकी खूबसूरती का ये सबक है कि ये उनके कपड़ों पर बेटे गुजार था बैठ, खासतौर पर ये शीशे का काम है। आप ये देखिएगा, आप सामने चले जैसे मार्च पास हो, तमाम तरह मूवमेंट्स के साथ शीशे के आगे मूवमेंट होती है इसमें। आप लोग खास वजह यहाँ पे है कि जब हम लोग चलते हैं तो ये खास शीशे का ये काम है, इसमें मूवमेंट होती है। मूवमेंट इसलिए होती है कि जब हम चलते हैं हमारा साया और हम हमारी जो दो या तीन परछाइयाँ हैं इसमें चलती हैं। यहाँ पर मेरा ख्याल है कि शीशा लगाया गया होगा उस टाइम उनके लिए, क्योंकि ये उनका खास कमरा था, बेडरूम था, तो उस टाइम की जेबो आजाइश या जेबो आइश जिसे बोलते हैं कितनी होगी। अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जस्ट दीवारें हैं या छत है, तो जब ये लोग वहाँ पर यहाँ पर रहते होंगे तो कितना खूबसूरत मंजर पेश करता होगा ये कमरा। कितनी मेहनत की गई ये बता दे। शीशे का काम, टाइल वर्क, लकड़ी का उनका काम, उस टाइम उन्होंने अपना काम कर दिया, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री में अपना एक ऐसा नाम पैदा किया है कि अभी तक इसके दरीचे खोलते हैं। ये करीब से ये गर्म है, फानदार ताकचे हैं, ये अंदर ऐसे खुलेंगे जैसे पतियाँ खेल के समझ सच में सारे खुले तो एक अपना मंजर देते हैं। ये दरमियान में देखेगा रोशनदान ऐसे बना जैसे आँख हो, जो बाहर आँखें बनी हैं इन्हें इनकी तस्वीर लीजिएगा, आप खड़े रहेंगे। ये दरमियान में देखा रोशनदान ऐसे जैसे आँख हो, जो बाहर आँख बनी है तो अंदर देखो दिल बने, पता चले दिल दिमाग से काम। दिमाग उस टाइम के लोगों का टाइम महल है, आप अल्लाह के बनाए कितने खूबसूरत हो। बेशक इन्हें छेंजन है, उन्हें बाकी रहना है। बेशक ये साथ साथ पहाड़ियों के पार दरिया चनाब दे, आप देखिए वो शेर बड़ा बन के है। सारे उठ के ये आप लोग देख सकते हैं कि 100 साल गुजरने के बावजूद इसके रंग फीके नहीं पड़े, बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी कुछ महीने या कुछ साल पहले ये तामीर किए गए। ये इस तरह का चिन्ह है, ये हवा के लिए खिड़कियां बनाई गई थी, ये है हवा में है, और ये है दूसरी साइड का चिन्ह।
बताएं ईद है, आई थिंक ईद है। और ये मेरे ख्याल से जैसे अलमारी हम लोग बनाते हैं ना, ये अलमारी वगैरह बनाई है चीज़ें रखने के लिए, तो इसकी लकड़ी अभी तक इतनी मजबूत है, सोफा कुटने के बावजूद ऐसी है कि हिल नहीं रही। 100 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आप लोग देखिए कि ये ऐसा पत्थर लगा हुआ है कि आज के दौर में भी ऐसा पत्थर जब हम ढूंढने के लिए निकलते हैं बिल्कुल नहीं मिलता। और ये बहुत खूबसूरती के साथ स्टार बनाए गए हैं, सच में बहुत प्यारे लग रहे हैं। और बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे लग रहा है जैसे कुछ महीने या कुछ साल पहले इसको यहाँ पर पेवस किया गया हो। ठीक है, क्या कर रही हो? मैं यहाँ के बारे में तासरात निकली हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक, क्योंकि जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको ख़ास तौर पे इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए और एक नोट ज़रूर लिखना चाहिए कि उनको पता चले कि उन्होंने यहाँ पे आके क्या देखा और क्या पाया। ये मतलब कि उस टाइम का जो बादशाह था ना उसका महल है, इस टाइम में तो ऐसा बनता ही नहीं है।